तो भाई लोगों क्या हालचाल है। टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला आईपैड मैंने मात्र 8000 रुपए का बाय किया है। वैसे तो भाई इसे लॉन्च हुए 10 साल हो चुके हैं, अक्टूबर 2024 में ये लॉन्च हुआ था एंड करंट में भाई अक्टूबर चल रहा है लेकिन साल है 2024 का। तो हमने इसे बाय किया इसकी 10th एनिवर्सरी पर। आज की वीडियो में भाई हम इसमें BGMI खेलकर देखने वाले हैं कि ओवरऑल इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी निकल कर आती है, साथ में इसका बैटरी बैकअप कैसा है एंड डे टू डे लाइफ के जो टास्क है क्या उन्हें ये अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा या फिर नहीं। तो बस आप एंड तक बने रहना, वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बात करते हैं इसके ओवरऑल डिजाइन के बारे में, तो बैक साइड पर एंड साइड में आपको एल्यूमिनियम के फ्रेम मिल जाते हैं जो कि काफी मजबूती वाली फील देती है। साथ ही साथ पीछे की साइड आपको कटा हुआ सेब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एंड उसके ठीक नीचे आईपैड की ब्रांडिंग। फ्रंट साइड की बात करते हैं तो 9.7 इंच की आपको एक IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है इन बड़े बड़े बेजल्स के साथ में। एंड बेजल्स के साथ अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे तो भाई इसमें आपको टच आईडी का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है एंड ये पहला आईपैड था जो कि टच आईडी के साथ लॉन्च हुआ था। बाकी भाई इसकी 9.7 इंच की ह्यूज डिस्प्ले पर आप मूवीज वगैरह देख सकते हो, गाने वगैरह सुन सकते हो एंड गाने से मुझे याद आया इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया है जिनका ओवरऑल आउटपुट कुछ इस प्रकार है। एंड भाई स्पीकर टेस्ट के बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इसकी स्पीकर्स जो है वे प्रीटी गुड है। तो अगर आपको मूवीज वगैरह देखनी है, गाने वगैरह सुनने हैं तो ये बड़ी डिस्प्ले एंड इसके अच्छे स्पीकर्स आपका पूरा साथ निभाने वाले हैं। बाकी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको एप्पल की A8X चिप प्रोवाइड करवाई गई है जो कि 2GB रैम के साथ आती है एंड मेरे पास जो ये वेरिएंट है ये 32GB स्टोरेज वाला है। एंड भाई डे टू डे लाइफ के टास्क परफॉर्म करने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, काफी स्मूथली वर्क कर जाता है। साथ ही साथ उसके एनिमेशन है ना भाई, वो मेरे को पर्सनली काफी स्मूथ लगी। लेकिन भाई उम्र के साथ थोड़ी तो दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है, बीच बीच में आपको फ्रेम ड्रॉप थोड़े बहुत लैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इतना नहीं है कि आप इसे यूज में नहीं कर पाओगे, आप यूज करिए काफी देर तक, बीच में आपको थोड़े बहुत माइनर से लैग देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी सीधा अगर BGMI की बात करते हैं तो भाई इसमें BGMI वगैरह मैं डाउनलोड कर चुका हूं एंड जो मैक्स ग्राफिक्स आपको मिलने वाले हैं ना वो है भाई 30 FPS। स्मूथ पर भी आपको 30 FPS एंड बैलेंस पर भी आपको 30 FPS प्रोवाइड करवाई गई है। भाई इस वाली परफॉर्मेंस को आप 10 साल पुरानी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर देखना। करंट में तो आपको अच्छे खासे प्रोसेसर मिल जाते हैं लेकिन इस डिवाइस को 10 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको ये ठीक ठाक गेम प्ले निकाल कर दे देता है। इतना है कि भाई आप इसमें गेम खेल सकते हो, या नहीं कि अगर आपको रिकॉर्ड वगैरह करना है, अगर आपको चैनल वगैरह चलाना है गेमिंग का, तो आई गेस ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बाकी डे टू डे लाइफ में अगर आपको थोड़ी बहुत ही गेमिंग करनी है कैजुअल, तो उसमें आपका काफी अच्छा साथ निभाने वाला है, काफी अच्छे से आप नॉर्मल इसमें गेम्स वगैरह खेल कर देख सकते हो। थोड़े बहुत रेंडरिंग का हमें इशू देखने के लिए मिल जाती है, ऐसा सच कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे बस BGMI के लिए खरीदने वाले हो तो भाई मत खरीदना। इवन भाई 10 साल पहले भी इस वाले डिवाइस में हमें जायरोस्कोप का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि BGMI में काफी अच्छे से वर्क करता है। उसमें हमें कोई भी डिले कोई भी लैग देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे आप मूवमेंट करते हो वैसे ही मूवमेंट आपको सामने से मिलने वाली है। इनफैक्ट इस वाले डिवाइस में आपको 3.5mm का जैक भी प्रोवाइड करवाया गया, तो आप अपनी पुरानी ईयरफोन्स को इसके थ्रू यूज कर पाओगे। बाकी अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाती है, नीचे की साइड आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड करवाई गई है, साथ में आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल प्लेन प्रोवाइड करवाई गई है, ऊपर की साइड आपको 3.5mm जैक प्रोवाइड करवाया गया है, साथ में मिलता है एक पावर ऑन ऑफ बटन एंड यहीं पर आपको दो माइक्रोफोन प्रोवाइड करवाए गए, एक बैक साइड पर एक राइट हैंड साइड पर। फ्रंट साइड पर आपको 1.2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो कि ठीक ठाक फोटोज आपके निकाल देता है एंड अगर वीडियोस की बात करते हैं तो 720p मैक्सिमम शूट कर सकते हो। बाकी बात करते हैं बैक साइड के कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड करवाया गया है जो कि डिसेंट फोटोज आपके निकाल कर दे देगा, साथ ही साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसे आप 1080 30 FPS तक कर सकते हो। अब अगर बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप के बारे में, तो 7340mAh की आपको बैटरी प्रोवाइड करवाई गई है जो कि काफी बड़ी बैटरी है भाई एंड भाई सच में जो इसका बैटरी बैकअप है ना वो अभी के टाइम में भी काफी अच्छा है। इस वाले डिवाइस को मैंने 2 दिन से चार्ज नहीं किया है, हालांकि इससे ज्यादा मैंने वर्क भी नहीं किया है, बस गेम्स वगैरह खेलकर देखी है, लेकिन भाई जो इसकी बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा निकाल कर दे देता है। अगर आप ज्यादा गेमिंग इससे करने वाले हो तो आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो, मतलब 1-1.5 घंटा खेल लिया बाकी वर्क कर रहे हो, तो 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको ये आराम से प्रोवाइड करवा देगा। अब अगर बात करते हैं इसके कुछ अंदरूनी यंत्र के बारे में, तो हमारे पास ये
है iPad Air 2 एंड अगर इसके सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करती है, बेसिकली इसका जो iOS वर्जन है वो है 15.8.3। करंट में भाई iOS 18 चल रहा है लेकिन इसमें आपको 15.8.3 का सपोर्ट मिलता है। बाकी ये 2GB रैम में एंड 32GB की स्टोरेज में प्रोवाइड करवाई गई है, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर बात करते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट के बारे में, तो मैंने इसे 8,000 रुपए का बाय किया है भाई। इसमें डिसेंट मैं गेमिंग कर सकता हूँ, डिसेंट कैमरास प्रोवाइड करवाई गई है, काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड भाई यार एप्पल की ब्रांडिंग साथ में फ्री मिलती है। एंड ओवरऑल जो डिवाइस है वो मेरे को काफी अच्छा लगा। अगर आपको भी 8-10 हज़ार 11 हज़ार के आसपास ये आईपैड मिलता है, अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है तो आप इस वाले के साइड जा सकते हो बेझिझक होकर। एंड हाँ, बाकी भाई अगर आपको लेटेस्ट डिवाइस सबसे पहले बाय करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो इंप्रेशन गैलरी, जो कि लोकेटेड हमारे सहारनपुर में। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार वहां से जाकर चेकआउट जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, लेकिन यार उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर से कर जाना। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, मेरा यूजर नेम है tagboomer01, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।